का एक फोन लेके आए थे, आप लाए थे कि आप लाए थे? दोनों दोस्ती है ये, कॉन्टेक्ट सेल सर्विस, अनेबल टू कॉन्टेक्ट सेल सर्विस। अब थोड़ा ये बताइए, ये मोबाइल पे आप ट्राई करे थे पहले भी? ये मोबाइल पे मैं भी ट्राई करा सर, और मेरे पास जो अच्छे टेक्नीशियन है, बड़े टेक्नीशियन, उनके पास भी जाके आया, कोई भी नहीं बनाए। तो इसमें अब सर क्या करके बना के दिए थोड़ा यहाँ बताओ? माइक्रो जम्पर करके। कहाँ से जम्पर निकाले? ट्रैक कटा हुआ था सीपीयू से। सीपीयू से निकाले सर? ठीक है, थोड़ा यहाँ बता देंगे। ये देखो सीपीयू स्क्रैच करके बनाए। ठीक है, एक भाई बोल देते हमारे, इनका ही ले लो। तो ये दूसरा बड़ा टेक्नीशियन मार्केट का क्यों नहीं बनाया पाया होगा, रीजन बताओ आप थोड़ा सा। अब इसकी सर्किट की नॉलेज नहीं रहेगी या स्कीमेटिक की नॉलेज नहीं रहने की वजह से। स्कीमेटिक तो है ही नहीं, डायग्राम नहीं है इसका, डायग्राम तो नेट में है नहीं, दूसरे डायग्राम से लेके इसको कनेक्ट करें। तो सीपीयू स्क्रैच करके, ड्रिल करके, एक जम्पर निकाल के आपका जहाँ तक ट्रैक ब्रेक था उसको कंटिन्यू भी करे। तो ये जो क्या बैठे बैठे 10 साल आप दुकान में गुजार देते, नॉलेज आ जाएगी क्या? नहीं आती है, खुद से करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है जाके। तो यहाँ पे आप लेके आए सेट, ये तो यहाँ लाइव बना के दिए ना आपको, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप पहले भी दूसरी जगह गए लेकिन नहीं कर पाए, है ना? तो मेरे पास ये 6 महीने से पड़े हुए सर, 6 महीने में कस्टमर आके तो वापस ले लेके गया, लेके जाने के बाद फिर दूसरी जगह पे बता के लेके आया, मैं इंस्टीट्यूट इधर आ रहा हूँ बोलने से, फिर मेरे को बना के लाओ भाई। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट पूछता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर, वहाँ नहीं गया, बहुत सारे दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में, बहुत जगह, यहाँ फोन फिक्स क्यों आ गया आप, थोड़ा सा एक रीजन? मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट जाके आया सर, लेकिन मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं मिला सर। अच्छा, और मैं वहाँ से जो भी सीखा मैं पूरा भूल गया, एक तो लॉकडाउन की उसमें इसमें सब में भूल गया, फिर दोबारा जाने की इच्छा नहीं हुई सर। जी जी जी, यहाँ का नाम बहुत सुना मैं, और स्टूडेंट से भी पूछ लिया, यहाँ पर अच्छा रिव्यू था, स्टूडेंट पुराने जो सीखे गए। नाम ही नहीं सर, आप लोग का रिव्यू देखा, लोग वीडियो में देखे। और दूसरी बात, सागर सर जब उनको चैलेंज दिए थे, मैथिल भाई चलो, तो चैलेंज टीचर को दिए थे, अगर अभी आपको चैलेंज दिए तो आप डाल सकते हैं सीपीयू कोई भी डाल सकते ना, वही चीज स्टूडेंट में भी आती है, जब टीचर कर रहे हैं तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंट आता, बहुत बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंट। दूसरा होता है टेक्निक और ट्रिक, हैंड स्किल का काम, यहाँ पे आपको यही चीज़ सिखाते, खाली काम नहीं सिखाते, कॉन्फिडेंस भी देते। आप डे वन आते पहले ही बोल देते आपको, 4 से 5 दिन के अंदर हर बच्चा सीपीयू डालता, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा तो ना स्टूडेंट के अंदर आएगा ना कॉन्फिडेंट। तो अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंट कैसा है? बढ़िया है ना, पहले जो काम कर रहे थे लेवल बना के घर ले जाने के नहीं है, मेहनत करना है, हैंड स्किल बना लेना है, चेकिंग करना है, ये सारी चीज करना है। ठीक है, अभी कितने दिन हुआ अपना? 8-10 दिन ही हुआ ना? 8 दिन ही हुआ, अभी बहुत दिन बाकी है, 15-12 दिन और गुजारना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी अपने पास एक मोबाइल है, वीवो Y95 का मॉडल है। इसके अंदर जो इशू है, यहाँ चार्जर कनेक्ट करे तो यहाँ शो कर रहा है अपने को, जैसा अपन चार्जर कनेक्ट कर दिए लोगो तो आ गया इधर, उसके बाद यहाँ तुरंत शो कर रहा है अपने को अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टैक्ट आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, तो यह जो एरर बता रहा है, बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे उसके अंदर आपको, यहाँ इसके पीछे जो है सेंसर के ऊपर डाल दो, इससे ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। तो ये तो सेंसर लगा हुआ है, फिर भी अपने को यहाँ जो एरर जो है शो, जैसा यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, जैसा यह सेंसर के ऊपर जो है इसका सेंसर के ऊपर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई मैटर ही नहीं बनता है, यहाँ मैं इसको पूरे को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा यहाँ मैं हटा के रखा और यहाँ देख सकते हैं आप, तो यहाँ एरर शो कर रहा है। तो अभी चेक करेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसका कस्टमर जो है, इसका जो ऑलरेडी स्टे, पता, चार्जिंग पिन सारा कुछ बदल के देख लिया, फिर भी इसके अंदर जो इशू आ रहा है चेक करेंगे। यहाँ जैसा चार्जर को यहाँ कनेक्ट कर दिए, तो फर्स्ट यहाँ चेक करेंगे जो
यहाँ देखेंगे पहले, यहाँ जो है अपने को वोल्टेज के अंदर 5 वोल्ट इनपुट आ गया। अपने को यहाँ चेक करेंगे जो बैटरी का आईडी लाइन के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ मिल रहा है अपने को 1 वोल्टेज, यहाँ मिल रहा है और यहाँ चेक करेंगे इस लाइन के अंदर वोल्टेज तो मिल रहा है, मगर जैसा अपन इस लाइन को ट्रेस करके चेक करेंगे सारा चीज़, इसको मैं आउट ले रहा हूँ बोर्ड से और यह मैं आपको बीट मैप से बताता हूँ। तो इसका मैं बीट मैप के अंदर जाएंगे, जैसा ये वाला बीट मैप के अंदर जाएंगे, बीट मैप के अंदर जाके वीवो का मॉडल है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे Y95 क्वालकॉम मॉडल, तो यहाँ मैं ओपन कर दिया इधर। यह इसको मैं जूम कर दिया, जैसा बैटरी कनेक्टर का जो एडी का लाइन के अंदर यहाँ से लेके लाइन जा रहा है आपको बैक साइड के अंदर जो है, यहाँ एक रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ दिख रहा है तुम्हारे को एक रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टर के ऊपर जा रहा है अपने को, यहाँ कनेक्शन जा रहा है और इसका जो है औरेक पॉइंट, इसका जो औरेक पॉइंट जो है, इसका औरेक पॉइंट जो है यहाँ से कनेक्ट होके तुम्हारे को जा रहा है तुम्हारे को जो अपना PMI 632 के अंदर, 632 के अंदर जो है तुम्हारे को पिन नंबर 69 के अंदर यहाँ जा रहा है और यहाँ से लेके तुम्हारे को लाइन जो आ रहा है यहाँ आ रहा है और इसका जो आगे का सप्लाई जो है ये वाला लाइन से तुम्हारे को CPU को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ, तो वोल्टेज तो बना रहा है अपने को PMI 632 वोल्टेज बना रहा है, इसलिए अपने को ID लाइन के ऊपर जो है वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ जो है यहाँ से अपने को जो CPU से कनेक्टेड है, तो ये लाइन को पूरा चेक करेंगे अभी। तो यहाँ मैं यहाँ से लेके कनेक्टिविटी तो ओके, यहाँ चेक करता हूँ मैं इस वाला पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट के अंदर यहाँ चेक करेंगे अपन, यहाँ कुछ मेरे को यहाँ चेक करेंगे, यहाँ कुछ अपने को यहाँ तो कोई GR नहीं मिलेगा, ताकि ये लाइन जो है तुम्हारे को बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाने वाला लाइन है, ये है अपने को एक 10K का रेजिस्टेंस मिलेगा इधर, इसलिए हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसलिए आपको कोई टाइप ऑफ GR नहीं मिल रहा है। इधर मैं रेजिस्टेंस को भी चेक करके बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे एक 10K का रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है अपने को। अभी जो है यहाँ का रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस को इसका वैल्यू चेक कर लेंगे, यहाँ दिख रहा है एक अप्रॉक्सीमेटली 47K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये है अपना 10K का रेजिस्टेंस, यहाँ से लेके अपने जा रहा है बैटरी कनेक्टर के ऊपर और यहाँ PMI 632 का 69 नंबर से लेके यहाँ तक आ रहा है अपने को 1 वोल्टेज का सप्लाई जो है यहाँ तक आ रहा है और इसके एक पॉइंट थ्रू और एक पॉइंट थ्रू यहाँ से लेके अपने को ये वाला लाइन जा रहा है CPU के अंदर जो है इस यहाँ लाइन इसके अंदर इन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ तक तो अपने को जो है यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ जो है ये पावर से आने वाला GR है, यहाँ मिल रहा है अपने को 700, यहाँ मिल रहा है मेरे को पावर से आने वाला GR जो है यहाँ मिल रहा है 790। अब यहाँ भी कुछ इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके अंदर सेम रीडिंग होगा और इसके अपोजिट साइड में यहाँ चेक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप OL आ रहा है, ताकि जो है ये कनेक्शन यहाँ सब रीडिंग बन रहा है वो वाला रीडिंग जो है अपना CPU से कनेक्ट होके जो आ रहा है वो वाला GR यहाँ से अपना लाइन जो है मिस है, ठीक है। अभी यहाँ बताता हूँ बिट मैप के अंदर जो है आपको यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ये वाला जो रेजिस्टेंस के साथ आउटसाइड में जो कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस का आउटसाइड के अंदर कनेक्टेड है, इसके साथ जो है आपको यहाँ CPU के अंदर 1 2 3 4 5 6 लाइन में सेकंड वाले के ऊपर यहाँ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ आप CPU रिवॉल्व करके भी बना सकते हैं, इस पॉइंट को अगर बनाना है तो CPU रिवॉल्व करके भी बना सकते हैं या CPU को हल्का स्क्रैच करके उस लाइन से जम्पर लेके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जो CPU को स्क्रैच करके इसका लाइन को निकाल के जम्पर मार के बताऊंगा, अभी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखेंगे इसका सारा चीज।
अभी चेक करेंगे, जैसा अपन जंपर मार लिए जो सीपीयू को लाइन यहाँ से मिल गया, तो अभी देखेंगे अपना यहाँ अभी चार्जिंग चढ़ना स्टार्ट हो गया, एरर मारना अपना बंद हो गया। तो मैं यहाँ पावर की को प्रेस करके और एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है, दिख रहा है ये पावर की को प्रेस करके जो एरर आना जो है अपना बंद हो गया। अभी फोन को ऑन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं अपने को यह जो चार्जिंग का सिंबल जो है दिख रहा है प्रॉपरली। ओके फ्रेंड्स, जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम था जो अपना अनेबल टू चार्ज कॉन्टैक्ट सेल सर्विस का जो है ऐसा इश्यू जो है आप सेंसर से देखे होंगे अभी तक सेंसर से जो बनता है, तो इसके अंदर एक एडी लाइन के अंदर एक 10K और 47K का रजिस्टर देखे वहाँ 1 वोल्टेज जो है अपने को मिल रहा था जो PMI 632 से वहाँ से लेके जो CPU को सेंस जा रहा था 0.60 वोल्टेज जा रहा था, तो ये लाइन जो अपना मिस था इससे जो प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम को अभी अपन ओके कर दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट बैच जो है January 27 न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड है जैन होना है तो आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ जो अपने पास जो काम होता है ये काम के अंदर स्कीमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, ईच एंड एवरी लाइंस के बारे में डिटेल सब चीज आप लोगों को पढ़ाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। थैंक यू।